अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू VOPSCS। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कामयाब जवान प्रोग्राम के कोर्सेज़ के बारे में। गवर्नमेंट ने बैच 3 के फ्री कोर्सेज़ अनाउंस कर दिए हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्री कोर्सेज़ में किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ओपन करना है अपना ब्राउज़र, ब्राउज़र में ओपन करना है गूगल, और गूगल में जाकर टाइप करना है आपने NAFTEC कामयाब जवान प्रोग्राम। ठीक है, NAFTEC ज़रूर लिखिएगा आगे। अगर आप NAFTEC नहीं लिखेंगे तो कोई और सा प्रोग्राम आपको ओपन करके दे देगा, वो स्पोर्ट्स का। ठीक है, तो आपने वो नहीं क्लिक करना है, आपने खोलना है कामयाब जवान प्रोग्राम NAFTEC। ये आप टाइप करेंगे और सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपके पास ये आएगा पहला लिंक, या तो फिर आप जाकर डायरेक्ट इस लिंक पर अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आप चले जाएंगे NAFTEC की ओरिजिनल वेबसाइट पर। देख लें, ये इसका वेबसाइट का लिंक है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे आप ओपन करेंगे सबसे पहले आपको एक पॉपअप आएगा। आपने पॉपअप पे आके देखना, कर्सर इसमें हैंड बना हुआ आ रहा है, हैंड बना हुआ आ रहा है, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे, फिर वेबसाइट को कर रहा हूँ मैं कॉपी। कॉपी करने के बाद व्यू टैब खोल रहा हूँ, दोबारा उसी वेबसाइट को मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कुछ इंटरफेस। जब आपने इस पर क्लिक किया पॉपअप पर, तो आपको देखें इस तरीके से आपको एक फॉर्म खुल गया। इस फॉर्म में आप अगर आप नोट करें तो बलूचिस्तान सिंध ICT पंजाब खैबर पख्तूनख्वा, यानी पूरे पाकिस्तान से कोई भी कोर्स इसमें ये अप्लाई कर सकता है। अगर आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपको इंग्लिश में शो करेगा ये, और अगर आप उर्दू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये उर्दू में शो करेगा। ठीक है, अब जैसे कि लेट सपोज मुझे इंग्लिश ज़रा अच्छे से समझ में आती है तो मैं इंग्लिश पर क्लिक करूँगा, और आप ये देख सकते हैं आपको सारे इंस्टीट्यूट वगैरह, ठीक है, उसके प्रोग्राम, उनके यूनिवर्सिटी का नाम, उनके कोर्सेज़ का नाम जो करवा रहे हैं, उनका एड्रेस और उनका प्रोवेंस, उनके डिस्ट्रिक्ट और उनके कॉन्टैक्ट नंबर किया है। ठीक है, तो एक इस तरीके से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक मसला है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं। लेट सपोज अगर मैं सिंध पे हूँ, मैंने सिंध पे क्लिक किया तो उसने सिंध के सारी चीज़ें शो कर दी हैं। आप ये देख सकते हैं कि 414 एंटिटीज़ में से मुझे सिर्फ ये एक पेज पर 10 शो कर रहा है। ठीक है, तो 10 शो कर रहा है तो काफ़ी मुश्किल, जैसे कि मुझे अब इसमें सर्च करना है SEO कोर्स, तो मैं टाइप करूँगा SEO, एंटर कर दूँगा। तो देखें SEO जितने भी कोर्सेज करवा रहे हैं सिंध के अंदर, वो सारे मुझे एक साथ शो कर देगा। ठीक है, तो इसके अलावा देखें नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है 1016 एंटिटी, यानी एक पेज पर 10 शो कर रही है, अब यहाँ पे मुझे बाकी 6 शो करेंगी। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आप पूरी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन से प्रोवेंसेस में कौन से कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। ये तो आपका एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन आपने क्या करना है, यहाँ पर आएँ, आप इसको जब वेबसाइट खोलेंगे आप क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद यहाँ आ रहा है आप अप्लाई फॉर 3rd बैच ऑफ प्राइम मिनिस्टर हुनरमंद प्रोग्राम। तो आपने क्या क्लिक करना है, एक तो आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है, इसको ओपनिंग लिए कर लें, और दूसरा डाउनलोड फॉर्म इसका क्लिक कर दें। ये आपको मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इसका कुछ फ़ायदा है नहीं। तो आप देखें अप्लाई ऑनलाइन से आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, और जो आपने डाउनलोड फॉर्म किया है वो इसका इस तरीके से होगा। ठीक है, इसमें तो कुछ खास है नहीं, इसको आप इग्नोर कर दें, यानी इस फाइल को आप इग्नोर कर दें। आप इसमें अप्लाई ऑनलाइन में, अप्लाई ऑनलाइन में आप लोग आएंगे, आपको इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ठीक है, इसमें कोई लॉग इन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर्ड हेयर। अगर आप NAFTEC के फर्स्ट टाइम कोर्सेज में ऐसे भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे करेंगे रजिस्टर हेयर, या अगर उसके अलावा भी आप कर चुके हैं, दोनों सूरतों में आप करेंगे रजिस्टर हेयर। रजिस्टर हेयर करेंगे तो आप देखेंगे इंटरफेस खुल जाएगा, लेकिन इसको फिल करने से पहले मैं आप लोग को एक लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आपने इस पर जाकर पहले फिल करना है। देखें अगर आपने इसमें रजिस्टर्ड किया हुआ या नहीं किया हुआ, सबसे पहले आप यहाँ आएँ, इस फॉर्म को फिल कर लें और सेव कर दें। सेव करने के बाद यहाँ लिखा हुआ आता है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड टू इंस्टीट्यूट, तो फिर आपको ये फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब कि आपका डाटा ऑलरेडी मौजूद है और सबमिट हो चुका है, लेकिन यहाँ कुछ एरर आता है, तो पहले आप चेक कर लें कि फॉर्म में गलती तो नहीं है। अगर फॉर्म पूरा ओके है और उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ एरर दे रहा है, तो फिर आप यहाँ पर आएँ, इसको आप फिल करें। जैसे आप इसको फिल करेंगे, तो फिल करने के बाद जैसे आप इसको यहाँ पर सेव में सबमिट करेंगे, तो ब्लैंक स्क्रीन आपको शो हो जाएगी। मैं आपको ये वीडियो में भी दिखा दूँगा, स्क्रीन शॉट लेकर वाइड स्क्रीन आपको दिखाई जाएगी। जब आप वाइड स्क्रीन आपको शो हो जाए, फिर दोबारा रिफ्रेश करें, फिर दोबारा से लिंक पे आएँ और फॉर्म सबमिट करें, फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा समराइज कर रहा हूँ इसको मैं। सबसे पहले आप आएंगे इस लिंक पे, इस पर आप फॉर्म सबमिट करेंगे, अगर होता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता तो आप इस पर आएंगे, इसको फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने पर आपका स्क्रीन हो जाएगी वाइड, फिर आप बैक आएंगे और फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सबमिट कैसे करना है। सबसे पहले इस लिंक पर आएँ, देखें मैं ऑलरेडी कोर्सेस जो है वो अप्लाई कर चुका हूँ, और मैंने कोर्स भी किया हुआ है और सर्टिफिकेट भी मैंने ले लिया है। लेट्स सी कि अब मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। तो मैं ट्राई करने के लिए क्या करता हूँ, अब मैं अपना NIC लिखता हूँ।
इसको सर्च ना ही करें तो बेहतर है। लेट सपोज अगर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे एक एरर दे देगा, ठीक है, इसकी वजह से मैं फॉर्म फिल नहीं कर पाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, फिर तो रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने के बाद देखें इसने लिखा हुआ है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्यों लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा है कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप भी बना सकते हैं, आपको मैंने बता दिया शुरू में क्या करना है। अब मैं अपना एनएससी नंबर लिखता हूँ और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ इसके अंदर, इसमें इतना मुश्किल है नहीं। तो मैं यहाँ वीडियो कर दूँगा फास्ट, आप अपना फॉर्म फिल कर लेंगे ऊपर। तो यहाँ पे आएंगे लास्ट एजुकेशन किया, जैसे कि लेट्स सपोज मैंने लास्ट एजुकेशन की है, बैचलर्स मेरे 2 ईयर का हो गया है, लेकिन मैं इसको मेंशन नहीं करना चाह रहा। जो मेरा डिग्री है वो मेंशन करना चाह रहा हूँ। जो आपका पास डिग्री हो लास्ट डिग्री, वो आपने मेंशन करनी है, करंट नहीं। करंट मैं बैचलर्स कर रहा हूँ, मैंने अभी किया नहीं है, मैं लास्ट किया है SSC, आई थिंक ये किया है। तो मैं लिखता हूँ आपका कॉलेज का नाम और देखें अगर आप फॉर्म फिल यहाँ पे एंटर करने के बाद आपने ऐड करना है, वरना फॉर्म में एरर देगा। आपने ऐड किया तो देखें यहाँ पे शो हो गया, ठीक है, आप आ गए हैं। आप डिस्ट्रिक्ट के, आप लेट सपोज मेरा है कराची सेंट्रल, ठीक है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप डाल दीजिएगा। इंस्टीट्यूट टेम में, अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि आपसे कौन से इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने सर्च किया था SEO, मुझे SEO में अप्लाई करना है, और मुझे मालूम है कि इस कोर्सेस में SEO कौन से इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं, ठीक है, एक ICM करवा रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक इशू है कि कराची सेंट्रल, कराची ईस्ट, अगर आप कराची सेंट्रल लिखेंगे तो सेंट्रल में जितने भी आते कराची के वो सारे इंस्टीट्यूट आपको दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ मेंशन करता हूँ कराची साउथ, तो आप साउथ के सारे इंस्टीट्यूट दिखाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपका फॉर्म फिल करने से चेक कर लेना है कि आपके एरिया के आसपास कौन से कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, ठीक है, और आपके दूर कौन से हैं। अब आपकी चॉइस है कि आप दूर में अप्लाई करना चाहें या करीब में करना चाहें। बेहतर ये है कि ये कोर्सेज ऐसे हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आप करें, तो बेशक आपको दूर जाना पड़े, क्योंकि वहाँ फिर टीचर्स भी अच्छे होते हैं और आपको 6 महीने ज़ाया भी नहीं होते, ठीक है। इस कोर्सेज में मसला ये है कि 80% में आपको टीचर शायद इतने अच्छे ना मिले, शायद, जहाँ तक मैंने कराची में पढ़ा है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं कराची सेंट्रल में हूँ, अब मुझे कोर्सेज मैंने देख लिए, नॉलेज में देख ली कि मेरे कराची में कौन से SEO कोर्सेज जो है वो इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं, मुझे मालूम है। सबसे पहले मैं अपने आसपास के एरिया देखूंगा, मेरे आसपास के एरिया में यहाँ पे मुझे पता है, मैंने सर्च किया था, तो उसमें लेट सपोज में मुझे नहीं पता, मैंने इस पर क्लिक किया ICM पाकिस्तान नॉर्थ इस्लामाबाद। अब ट्रेड पे आऊँगा मैं, शिफ्ट कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इवनिंग शिफ्ट होती है इनकी 6 से लेके 9, 99.9% है कि आप 6 से 9 का टाइमिंग हो, ठीक है। अब देखें आपने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया, अब जब आप इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे तो वो जो इंस्टीट्यूट कोर्सेज करवा रही होगी वो मैं शो करेगा, दिखाई दे रहा है SEO, तो मैं SEO चूज़ कर दूँगा। अब आप आगे हैं, यहाँ पे मैं आपको एक मतलब फॉर्म फिल करके दिखा देता हूँ, लेकिन एक मिनट रुके हैं। लेट सपोज मैं कराची सेंट्रल में, मुझे यहाँ अप्लाई नहीं करना, तो मैं यहाँ आऊँगा कराची साउथ में जाऊँगा। अब आप देखें साउथ में, साउथ में यहाँ आ रहा है ये देखना, साउथ में आ रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कराची। आप लेट सपोज मैं एक यूनिवर्सिटी में गया, मैट्रिक दिखाए, आप वो कोर्सेज नहीं है SEO में, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ अप्लाई नहीं करना है, एजुकेशन में अप्लाई नहीं करना है, मैंने तो पर वो कोर्सेज करवा नहीं रही। तो मैं जाऊँगा इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची। अब आप देखें यहाँ पे
ये सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट भी करवा रहे हैं इसमें। इसके अलावा और भी कोर्सेज हैं, और इसका भी सबसे ज़्यादा कोर्सेज इसमें करवाए जाना है आपको। ये देखें, मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, मुझे इसमें अप्लाई करना है। एज एज क्या आपकी इसके अंदर है, इसके अंदर आप कर दें क्वालिफिकेशन। आप देखिए, आप क्वालिफिकेशन में क्या डाल लें, क्वालिफिकेशन में आपने ये डाल लें जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं और जो आपकी फील्ड है, दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब कंपेयर है नहीं है। आप डायरेक्ट सपोज मैं BScS कर रहा हूँ और मैं इस कोर्स में अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, ये हाईली रेवलेंट है, या फिर आप इसको ये भी कहते हैं रेवलेंट टू अप्लाइड ट्रेड, ठीक है, यानी इससे मिलता जुलता है। मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, लेस मतलब इससे नहीं। अब जैसे कि मैं बैचलर्स नहीं कर रहा होता, इस फील्ड में अप्लाई कर रहा होता, तो मैं अप्लाई करता मोस्ट या फिर लेस। अब मैं ऑलरेडी कंप्यूटर की फील्ड है, ठीक है, और मुझे इस फील्ड में जाना है, SEO में एक्सपर्ट मुझे बनना है, तो मैं क्या सिलेक्ट कर सकता हूँ, मेरे पास हाईली भी कर सकता हूँ और ये भी कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं ये कर देता हूँ रेवलेंट टू अप्लाई ट्रेड, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है अवेल एनी वोकेशनल ट्रेनिंग, जैसे कि इसका मतलब है कि आपने कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग ली है, वोकेशनल ट्रेनिंग समझ लीजिए कि नैफटेक का तो अभी बैच से स्टार्ट हुआ है, इससे पहले भी नैफटेक किसी और के इंस्टीट्यूट से आप कोर्स करवा रहा था, तो यहाँ पर मैंशन किया हुआ आपने कोई ट्रेनिंग की है। ज़रूरी नहीं है इस नैफटेक के जो आप बैच 3 या 1, 2, 3 इसके अलावा की भी ट्रेनिंग आपने ली है वो भी पूछा है, तो आप क्या करेंगे, आपने किया हुआ यस, अगर आपने किया हुआ यस तो बेहतर ये है आप कर दें नो, जैसे कि मैंने की हुई लेकिन मैं कर रहा हूँ यहाँ पर नो, ठीक है। स्कूल से आप ड्रॉप आउट हुए थे, कर दें नो, 2 का मतलब है नो, 3 का मतलब है यस, ठीक है। अभी आपके ऊपर है, आप इसमें चाहें तो यस भी कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ है आपको इशू तो मैंशन कर दें नैन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा कुछ है नहीं, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैंने इसके एक्सेप्ट होता है। अब क्या चाहिए भाई, इसमें आप कॉल कैपिटल लिखे या स्मॉल लिखे इतना मसला नहीं होता, कि मैं लिख के ट्राई कर लेता हूँ, मैंने सेव किया, ठीक है। ऑलरेडी यू हैव अप्लाई फॉर दिस सेम इंस्टीट्यूट, ठीक है, सबमिट हो रहा है, लेकिन आपने ऑलरेडी इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर चुके हैं, तो आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखें, आपको सवाल पैदा होता है कि हाँ हम एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एक जब मैंने ट्राई किया था तो मैं सबमिट कर दिया, लिखा हुआ आ गया ऑलरेडी यू हैव अप्लाइड फॉर दिस ट्रेड इन सेम इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसमें आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं सेम इंस्टीट्यूट में सेम ट्रेड। लेट सपोज अगर मुझे इसी इंस्टीट्यूट में किसी और कोर्स में अप्लाई करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं आया, सेम चीज़ें वो हैं, अब मैं ट्राई करता हूँ, क्या हमेशा चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट सेम है लेकिन ट्रेड अलग है, अब देखते हैं क्या बोलते हैं ये, आप देखें, यानी इसका मतलब ये है कि आप सेम इंस्टीट्यूट में 3-4 कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्ट एक में ही होंगे, यह बात जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें चांसेस कम होते हैं, तो बेहतर ही है कि आप किसी एक इंस्टीट्यूट में किसी एक कोर्स में अप्लाई करें, ताकि उनके डाटाबेस पर चले जाएँ तो बंदा बोले यार ये किया है इसने, दो दो फील्ड में अप्लाई किया हुआ, तो आपको चांसेस कम हो सकते हैं, तो ये गलती ना करें। मैंने भी गलती कर दी आपको समझाने के लिए, मैंने कोशिश ये की कि आपके A to Z जितनी भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे शेयर कर दो। मैंने काफ़ी यूट्यूब पे भी वीडियो सर्च किए, तो इतना मैंने डीप जाकर नहीं समझाया, तो मेरी कोशिश यही है कि आप ये कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं। देखिए वेबसाइट है, वेबसाइट पर आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा कि इसकी लास्ट डेट क्या है फॉर्म अप्लाई करने की, ठीक है। तो उससे बेहतर ये है कि इससे पहले पहले अप्लाई करते हैं, ताकि डाटा बेस में जो है आप लोग का नाम सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है। और इससे ज़रूरी नहीं होता कि आपने पहले अप्लाई किया है तो आपको पहले नाम आ गया, लास्ट में अप्लाई किया लास्ट में नाम आया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मैंने मेंशन नहीं किया हुआ कि इसकी लास्ट डेट किया है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, और जहाँ तक मैंने इसकी लास्ट डेट जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, माइट भी जनवरी 30 जनवरी जो है वो लास्ट डेट है। ये वीडियो की थंबनेल होगी तो उसके अंदर मेंशन कर दूँगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद है, तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो हम याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।